तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर टोगा मिमोरी को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें यहाँ पर खाना खाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? और सच कहूँ तो तुम एक यूजलेस इंसान हो जिसका चेहरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह बोलते हुए वह पर्सन उठकर खड़ा होता है और अब वह वहां पर टोगा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं पर टोगा रोते हुए उस पर्सन से माफी मांग रहा होता है, पर वह पर्सन लगातार काफी गंदी तरह से टोगा को मारे ही चला जा रहा होता है और उसे वहां पर टोगा को मारने में मजा आ रहा होता है, इसीलिए वह टोगा को मारते हुए जोर जोर से हंस रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टोगा अब बड़ा हो चुका है और अब वह एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने सभी क्लासमेट के साथ एक पिकनिक पे आया हुआ होता है। वहीं पर अभी वह एक बस में ट्रेवल कर रहा होता है और उसे अपनी यह पुरानी बातें याद आ रही होती है। तभी वह देखता है कि उसके क्लास का एक लड़का यामाटा सोगो नाम की एक लड़की के हाथ से लिफाफा छीनते हुए उसके अंदर से एक रोमांटिक नोवेल बाहर निकालता है और अब वह सोगो का मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसी लड़की को भी रोमांटिक नोवेल पढ़ना पसंद होगा। अब सोगो उससे अपना नोवेल वापस लेने की कोशिश करती है, पर यामाडा लगातार उसका मजाक बनाए चला जा रहा होता है। वहीं पर बगल की ही सीट पर टोमे हीरो यासु नाम का एक पर्सन बैठा हुआ होता है जो यामाडा को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है। अब हमें पीछे की सीट पर बैठी हुई दो बहनों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए बोल रही होती है। यामाडा ने दोबारा से यहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और उसकी आवाज को सुनकर उनके सर में दर्द होने लगा है। वहीं पर बस में बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स यामाडा से परेशान हो रहे होते हैं जो देखकर टोगा सोच रहा होता है, हम सभी लोग फील्ड ट्रिप पर आए हुए हैं। पर यहाँ पर भी यामाडा ने सभी लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, पर यहाँ पर क्लास का कोई भी पर्सन यामाडा को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे क्लास टीचर भी शांति से बैठकर यह सब कुछ देख रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी बाकी लोगों की ही तरह यामाडा को यहाँ पर जो मर्जी वह करने दूँ या फिर मैं आगे बढ़कर उसे रोकूँ? क्या पता आज यहाँ पर यामाडा को रोकने के बाद मैं पूरे क्लास का हीरो बन जाऊँ। यह सोचते हुए वह अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और बोलता है, यामाडा तुम्हें सोगो को उसकी नोवेल वापस दे देनी चाहिए। अब यह सुनते ही यामाडा गुस्से में टोगा को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या था, मैं भूल गया। ओ हाँ, तुम तो मिमोरी टोगा हो ना, तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अब यह सुनते ही टोगा काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें शांति से बैठने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से बस में मौजूद सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यह सुनते ही यामाडा हंसते हुए बोलने लगता है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सभी लोग इतनी देर से शांति से बैठे हुए हैं, बस तुम्हें ही यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो साफ साफ मेरे मुंह पर क्यों नहीं कहते कि आखिर तुम क्या चाहते हो? कहीं तुम हमारे क्लास के हीरो तो बनना नहीं चाहते हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? अभी बस में पीछे बैठा एक पर्सन टाकुटो बोलता है, यामाडा शांति से वह नोबल सोगो को वापस कर दो और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। अब हमें बताया जाता है कि टाकुटो उनके क्लास का सबसे ज्यादा फेमस पर्सन है, जिसकी बात सुनते ही यामाडा सोगो को वह नोवेल वापस कर देता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब यह देखते ही क्लास के सभी लोग टाकुटो की वहां पर तारीफ करने लगते हैं, पर यामाडा अपनी जगह पर बैठने के बाद भी शांत नहीं हुआ होता है और वह अपने बगल वाली सीट के ऊपर बैठे हुए यासु को किक करते हुए उसे बुली कर रहा होता है। अभी उनका क्लास टीचर चिल्लाते हुए बोलता है, यामाडा शांति से बैठ जाओ, तुम यहाँ पर ड्राइवर को डिस्टर्ब कर रहे हो और आगे एक काफी खतरनाक ब्रिज आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर तुम चुप रहो वरना यहाँ पर तुम्हारी वजह से हम सभी लोगों की जान जा सकती है। यह सुनते ही यामाडा चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है टीचर, मैं इस बारे में ख्याल रखूंगा। और अब वह थोड़ी देर वहाँ पर शांत बैठता है, पर दोबारा से वह वहाँ पर चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से उन सभी लोगों की बस वहाँ पर ग्लो होने लगती है और अब सभी लोगों की आंखें खुलती है तो वह सभी लोग एक अजीब से केव में होते हैं। अब यह सब देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह लोग बोलने लगते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर अचानक से हम यह कहाँ पर आ गए? तभी उनके सामने एक लेडी आते हुए बोलती है, दूसरे वर्ल्ड के वॉरियर्स, मैं तुम सभी लोगों को हमारे हम्बल किंगडम में वेलकम करती हूँ। और अब वह लेडी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि वह गॉडेस वीसेस है और उसी ने उन सभी लोगों को यहाँ पर समन किया है जिससे वह सभी लोग एक साथ मिलकर डीमन एम्परर से फाइट करके उसे हरा सके। और अब वह सभी लोगों को बताती है कि आज से लगभग 200 साल पहले उसने उन्हीं लोगों के वर्ल्ड से कुछ हीरोज को यहाँ पर समन किया था जो हीरोज काफी ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने डीमन एम्परर को मार दिया था, जिसके बाद
उनके किंगडम में चारों ओर शांति कायम हो गई थी, पर अब यहाँ पर डीमन एम्परर वापस लौट आया है। इसीलिए उसे हराने के लिए उन सभी लोगों को यहाँ पर समन किया गया है। अब यह सुनकर वहाँ पर किसी को भी गॉडेस की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है, और अब वह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या वह लोग उस ब्रिज के ऊपर मारे गए या फिर यहाँ पर कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, क्या वह लोग सच में टेलीपोर्ट होकर दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं। अब उन सभी लोगों को वहां पर परेशान होते हुए देखकर उनका क्लास टीचर आगे जाते हुए उन लोगों को वहां पर शांत करते हुए बोलता है, तुम्हारा क्लास टीचर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो पहले हमें यहाँ पर गॉडेस की बात सुननी चाहिए। दूसरी ओर अपनी जगह पर खड़ा टोगा सोच रहा होता है, यह जगह सच में काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर चारों ओर कई सारे नाइट्स खड़े हैं जिनके पास काफी खतरनाक वेपन्स हैं, और दो और यहाँ पर चारों ओर मौजूद चीजें भी बहुत ही ज्यादा पुरानी है, तो वह लोग जरूर टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं। तभी टाकुटो आगे बढ़ते हुए बोलता है, गॉडेस आप चाहती हो कि हम आपके लिए यहाँ पर डीमन एम्परर को मारे, पर अगर हम आपके लिए यह काम करने से मना कर दे तब आप क्या करोगी। गॉडेस बोलती है तब वह कुछ नहीं कर सकती है, पर वह सभी लोगों को यह बताना चाहती है कि अगर वह लोग डीमन एम्परर को यहाँ पर नहीं मारते हैं तो उन सभी लोगों को इसी वर्ल्ड में अपनी पूरी लाइफ रहना पड़ेगा, क्योंकि गॉडेस उन्हें अपनी पावर का यूज करते हुए उनके रियल वर्ल्ड में नहीं भेज सकती है। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी गॉडेस उन्हें बताती है कि अगर तुम सभी लोग अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हो तो यहाँ पर यह करने का बस दो ही रास्ता है। पहला, तुम्हें डीमन एम्परर को मारकर उसके हार्ट को बाहर निकालना होगा, जिसकी पावर का यूज करते हुए तुम दोबारा से टेलीपोर्ट होकर अपने रियल वर्ल्ड में जा सकते हो। और यहाँ पर दूसरा रास्ता यह है कि तुम्हें डीमन किंग के गले में मौजूद 5 एलिमेंट नेकलेस की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, जिसके बाद ही तुम अपने वर्ल्ड में वापस से जा सकते हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो बिना डीमन एम्परर को फाइट में हराए तुम लोग यहाँ से वापस अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकते हो। तभी यामाडा आगे बढ़ते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, एक तो तुमने हमें यहाँ पर एक ऐसी अजीब सी जगह पर बुला लिया है, और तो और अब तुम हमें यहाँ पर यह बेकार की कहानियाँ सुना रही हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। तभी गॉडेस नीचे बैठते हुए वहाँ पर सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वह सभी लोग एक साथ मिलकर डीमन एम्परर को फाइट में हरा कर दोबारा से इस वर्ल्ड में पीस को कायम करे। तभी सोगो आगे बढ़ते हुए बोलती है, वह यहाँ पर गॉडेस से एक सवाल पूछना चाहती है, वह सभी लोग बस एक नॉर्मल इंसान है तो आखिर वह लोग डीमंस का मुकाबला कैसे करेंगे। अब गॉडेस हंसते हुए सभी लोगों को बताती है कि भले ही वह सभी लोग इंसान हो पर वह लोग दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं, जिस वजह से उन सभी लोगों को कुछ स्पेशल पावर मिली है, और वह सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद वह डीमन आर्मी और डीमन एम्परर को काफी आसानी से हरा देंगे। तभी यामाडा आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर यह सब बकवास कर रही हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं, तो जल्दी से हमें वापस से हमारे स्कूल बस में भेज दो। अब यह सुनते ही गॉडेस वहाँ पर खड़े कुछ नाइट्स को एक इशारा करती है, और अब गॉडेस का इशारा पाते ही कुछ नाइट आगे बढ़ते हुए जाकर एक कमरे के अंदर से एक बड़े से मॉन्स्टर को निकालकर बाहर लाते हैं, और अब वह एक कमजोर से इंसान को उस मॉन्स्टर के सामने रख देते हैं, जिसे देखते ही वह मॉन्स्टर उस इंसान के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारकर खा जाता है। और अब गॉडेस आगे बढ़ते हुए अपनी फायरबॉल टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देती है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब गॉडेस बोलती है, तो क्या अब तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन हुआ, यह कोई प्रैंक नहीं बल्कि रियलिटी है, तुम सभी लोग सच में दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हो। अब गॉडेस बोलती है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे, तो फिर क्यों ना यहाँ पर अब एक एक करके तुम सभी लोगों की स्किल्स को चेक किया जाए, तो लाइन लगाकर आगे आओ और यहाँ पर सामने रखे गए क्रिस्टल को टच करो, जिससे तुम्हें तुम्हारी स्किल्स और एबिलिटीज के बारे में पता चलेगा। अब एक एक करके क्लास के सभी स्टूडेंट्स आगे आते हुए उस क्रिस्टल को टच करने लगते हैं, जिससे वह क्रिस्टल ग्लो कर रहा होता है, और गॉडेस उन्हें बता रही होती है कि उनकी पावर एवरेज से ज्यादा है, जिस वजह से वह लोग डीमन आर्मी के सोल्जर से काफी अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे। तभी यामाडा आगे आते हुए उस क्रिस्टल को टच करता है, और अब उसके टच करते ही वह क्रिस्टल काफी तेजी से ग्लो करने लगता है, जो देखते ही गॉडेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और अब वह यामाडा को बताती है कि वह एक ए रैंक वॉरियर है जिसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर पावर है। यह सुनते ही यामाडा खुश होते हुए बोलने लगता है, मैं सच में एक हीरो हूँ, मैं यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए जल्द ही इस वर्ल्ड का नया हीरो बन जाऊंगा। तभी टोकिटो आगे आते हुए क्रिस्टल को टच करता है, और अब उसके टच करते ही वह क्रिस्टल ब्लास्ट हो जाता है,
जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब टोकिटो बोलता है क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तभी गॉडेस उसे बताती है कि टोकिटो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है। वह इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह मैजिक क्रिस्टल उसकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया और ब्लास्ट हो गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो वह एक एस रैंक वॉरियर है। यह सुनते ही यामाडा भागते हुए गॉडेस के पास आता है और बोलता है मेरा रैंक ए है, तो इससे यह साबित होता है कि मैं टोकिटो से ज्यादा पावरफुल हूँ। गॉडेस उसे बताती है कि नहीं, टोकिटो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, पर अगर तुम यहाँ पर मेहनत करो तो एस रैंक को अचीव कर सकते हो और उससे भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। तभी सोगो आगे आते हुए क्रिस्टल को टच करती है और अब उसका क्रिस्टल भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखते ही गॉडेस खुश होते हुए बोलने लगती है एक और एस रैंक वॉरियर। इस बार उसने सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हीरोज को समन किया है। तभी इत्सुकी नाम की एक लड़की आगे आते हुए क्रिस्टल को टच करती है और अब उसका भी क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर गॉडेस और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है इस बार हमारे पास तीन तीन एस रैंक हीरोज हैं। अब टोगा आगे आते हुए अपने क्रिस्टल को टच करता है, पर उसका क्रिस्टल वहां पर सबसे अलग पर्पल कलर में ग्लो होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह इस बारे में गॉडेस से पूछने की कोशिश करता है, पर गॉडेस भी उसे वहां पर इग्नोर कर देती है और बोलती है तुम उतने भी खास नहीं, तो साइड में जाकर खड़े हो जाओ। अब थोड़ी देर के बाद यासू आगे आते हुए अपने क्रिस्टल को टच करता है और अब उसके क्रिस्टल को देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका क्रिस्टल ब्लैक कलर में ग्लो हो रहा होता है वहीं पर। यह देखकर गॉडेस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह बोलती है लाखों साल पहले यहाँ पर एक हीरो के पास इसी तरह की डार्कनेस एनर्जी थी और वह हीरो आज तक का सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो था, तो शायद से तुम्हारे पास भी वही पावर है। अब यह सुनते ही यासू हंसते हुए बोलने लगता है मैं अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर बुली हुआ हूँ, पर फाइनली मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक पावर मिली है, तो अब टाइम आ गया है लोगों को अपनी असली ताकत दिखाने का। अब गॉडेस वहां पर सभी लोगों को अपने स्टेटस चार्ट को ओपन करना सिखाती है, जिससे वह सभी लोग अपने स्किल पॉइंट्स और एबिलिटीज को चेक कर सके। वहीं पर वह बोल रही होती है कि इस बार उनके पास काफी पावरफुल वॉरियर्स है जो लोग काफी आसानी से यहाँ पर डीमन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी वह देखती है कि टोगा ई रैंक पर होता है और उसके पास एबिलिटीज के नाम पर बस एक पैरालाइज स्किल और एक पॉइजन स्किल होती है। तभी यामाडा आगे बढ़ते हुए बोलता है गॉडेस आपने यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा लेक्चर दे दिया, तो क्या अब आप हमें यह बताओगी कि आगे हमें क्या करना है। यह सुनते ही उसका टीचर उस पर गुस्सा होते हुए उसे चुप करने की कोशिश करता है। तभी यामाडा बोलता है टीचर आप बस एक डी रैंक वॉरियर हो और मैं एक ए रैंक वॉरियर, तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर मुझसे इस तरह बात कर सकते हो। अब यह सुनते ही वहां पर खड़ा टीचर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गॉडेस आगे बढ़ते हुए बोलती है अब वह लोग यहां पर एक रिचुअल को परफॉर्म करेंगे जिससे सभी हीरोज की पावर में यहां पर बढ़ोतरी होगी। और अब वह टोगा को अपने पास आगे बुलाती है, जो देखकर टोगा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी दो नाइट्स उसे पकड़ते हुए एक फॉर्मेशन सर्कल पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अब गॉडेस बोलती है टोका मेरे द्वारा समन किए गए यहां पर सभी वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर पता नहीं कैसे तुम जैसा कमजोर इंसान भी इनके साथ यहाँ पर आ गया। और सच कहूँ तो तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम यहाँ पर बस हमारा टाइम वेस्ट करोगे, इसीलिए हम तुम्हारे साथ यह रिचुअल परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस रिचुअल में सभी कमजोर वॉरियर्स को डिस्पोज कर दिया जाता है। और अब यहाँ पर टोका के मर जाने के बाद इस रिचुअल की वजह से उसके सभी साथियों को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। वैसे भी टोका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वह जिंदा रहकर अपने साथियों की कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों ना वह मरकर ही अपने साथियों का कुछ भला करते। यह सुनते ही टोका के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है गॉडेस आखिर आप यह क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी गॉडेस हंसते हुए बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए इस फॉर्मेशन सर्कल के ऊपर हम तुम्हारी बलि देने वाले हैं और यह फॉर्मेशन सर्कल तुम्हें एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा जहां पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं, और जब वह मॉन्स्टर तुम्हें वहां पर मार देंगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सभी साथियों को काफी ज्यादा मात्रा में एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, जिससे वह सभी लोग और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। पर टोका को उस जगह पर भेजने से पहले वह उसे उस जगह का नाम बताना चाहती है। उस जगह को अबेंडेंट र्यून कहा जाता है, जहां पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर पाए जाते हैं। यह सुनते ही टोका काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है गॉडेस आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, आपने मुझे भी सभी लोगों के साथ यहाँ पर समन किया है, और तो और मेरे पास पॉइजन स्किल है जिसका यूज करते हुए मैं अपने अपोनेंट्स को मार सकता हूँ, तो आप इस तरह यहाँ पर मेरी बलि नहीं चढ़ा सकती हो।
यह सुनते ही गॉडेस हंसते हुए बोलती है, बेवकूफ बच्चे, तुम्हारे पास यहाँ पर जो पॉइजन स्किल और पैरालाइज स्किल है वह इतनी ज्यादा कमजोर है कि तुम उनका यूज करते हुए यहाँ पर सबसे कमजोर मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकते हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो तुम बस एक फेलियर फ्रेम हो, जो अगर हमारे साथ रहेगा तो हमारी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी और हम टाइम रहते अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। अब वहाँ पर टोका गॉडेस को समझाने की कोशिश करने लगता है, तभी टाकुटो बीच में बोलता है, टोका तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो अब यहाँ पर बहस करने का कोई भी फायदा नहीं। और अब टाकुटो के मुंह से यह बात सुनते ही क्लास के सभी लोग भी वहाँ पर टोका का मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तभी यासू टोका के पास आते हुए बोलता है, मेरे दोस्त क्या तुम ठीक हो? अब यासू को देखते ही टोका को याद आता है कि जब स्कूल में सभी लोग यासू को बुली किया करते थे तो वह हमेशा यासू को बचाए करता था, तो शायद से यहाँ पर यासू भी उसे बचाने के लिए आया है। और अब वह खुश होते हुए यासू को उसके नाम से बुलाता है। तभी यासू गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरा नाम लेने की? तुम बस एक ई रैंक वॉरियर हो और मैं एक एस रैंक वॉरियर, तो मेरा नाम तमीज से लो। वैसे सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो, पर अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शायद से अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तो अब तुम्हें यहाँ पर बिना स्ट्रगल किए अपना बलिदान दे देना चाहिए। यह सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग टोका के ऊपर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी गॉडेस उस फॉर्मेशन सर्कल को एक्टिवेट कर देती है और अब वह टोका के सामने एक पाउच को फेंकते हुए बोलती है, जब सभी वॉरियर्स को यहाँ पर समन किया गया था तो उन्हें कुछ न कुछ यूनिक आइटम मिले थे और तुम्हें यह बेकार सा पाउच मिला था, तो तुम इसे अपने साथ ही लेकर जा सकते हो। और यह पाउच भी तुम्हारी ही तरह बेकार का है, तुम बस इसका यूज एक टॉर्च की तरह कर सकते हो। जब तुम इसके अंदर अपनी माना एनर्जी को ट्रांसफर करोगे तो यह ग्लो करेगा, इसके अलावा यह पाउच किसी भी काम का नहीं। तो क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो? यह बोलते हुए वह उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर ही रही होती है कि तभी सोगो आगे बढ़ते हुए वहाँ पर गॉडेस को रोकने की कोशिश करती है। और अब वह गॉडेस से बोलती है कि भले ही टोका यहाँ पर कमजोर है और वह डीमन आर्मी के साथ फाइट नहीं कर सकता है, तो फिर क्यों ना गॉडेस उसे एक चांस दे। टोका यहाँ पर नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जिएगा। पर गॉडेस काफी तेजी से अटैक करते हुए सोगो को वहाँ पर बेहोश कर देती है। अब यह सब देखकर टोका को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने पैरालाइज स्किल का यूज गॉडेस के ऊपर करने की कोशिश करता है, पर गॉडेस काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और बोलने लगती है, बेवकूफ, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि हमारे वर्ल्ड का कोई नॉर्मल इंसान भी तुम्हें यहाँ पर जान से मार सकता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने मामूली सी टेक्निक्स का यूज करते हुए मुझे घायल कर सकते हो? तभी टाकुटो वहां पर एक अटैक करता है जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब यह देखते ही गॉडेस बोलती है, टाकुटो, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? टाकुटो बोलता है, मैं बस यह देखना चाहता था कि मेरे स्किल्स और एबिलिटीज यहां पर कितने ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर क्लास के सभी लोग टोका के ऊपर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं, टोका सच में एक लूजर है, तो वह इसी तरह की मौत डिजर्व करता था। दूसरी ओर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें टोका को मरते हुए देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए वह बाकी सभी लोगों से दूर चली जाती है। तभी गॉडेस बोलती है, टोका, अब तुम यहाँ से टेलीपोर्ट होने वाले हो, तो मरने से पहले तुम अपने साथियों से यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो? वहीं पर टोका का दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है और अब उसे याद आता है कि बचपन में जब वह पर्सन उसे काफी बुरी तरीके से मारता था तब वह पूरी पूरी रात एक जगह पर बैठकर रोए करता था और उसी दौरान उसे अपना एक इनर सेल्फ दिखाई देता था जो उसके पास आकर हमेशा उससे कहा करता था, टोका, आखिर तुम कब तक अच्छे इंसान बनने का नाटक करते रहोगे? यह दुनिया अच्छी नहीं है और अच्छे लोग इस दुनिया में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें अपने अंदर के ईवल इंसान को बाहर लाना होगा, अपने अंदर की डार्कनेस को बाहर निकाल कर लाओ और इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दो। अब यह बात याद आते ही टोगा प्रेजेंट टाइम में गॉडेस को देखते हुए बोलता है, तो तुम अपने आप को एक गॉडेस बोलती हो, तुम बस देखती जाओ, अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच गया तो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी वह वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि टोका एक अंधेरे केव में बैठा हुआ होता है और अब वह वहां पर अपने स्टेटस को चेक करने की कोशिश करता है, पर अंधेरा होने की वजह से उसका स्टेटस वहां पर अनलॉक नहीं होता है। तभी उसे गॉडेस के द्वारा दिया गया पाउच वहां पर दिखाई देता है जिसके अंदर अब वह अपनी माना एनर्जी को रिलीज करता है, तो वह पाउच एक टॉर्च की तरह वहां पर ग्लो होने लगता है। अब टोका अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और अब वह चारों ओर घूमकर उस केव को देखने की कोशिश करता है। तभी उसे वहां पर कई सारे स्केलेटन्स पड़े हुए दिखाई देते हैं जिन्हें देखते ही वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी उसे सेंस होता है कि कोई काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रहा है।
और तभी पीछे से एक मॉन्स्टर टोका के ऊपर अटैक करता है, जिसके अटैक को टोका वहां पर डॉज कर लेता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है, मैं सेंस कर पा रहा हूं यह मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अगर मैं इसके हाथों आ गया तो यह मुझे जिंदा खा जाएगा। वहीं पर अब टोका की फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही होती है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह यहाँ पर डरा हुआ है, रो रहा है या फिर हंसने की कोशिश कर रहा है। और तभी भागते भागते वह नीचे गिर जाता है और अब वह मॉन्स्टर टोका के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस मॉन्स्टर को देखते ही टोका बोलता है यह एक मिनिटॉर है और मिनिटॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं, तो अब यहाँ पर मेरा मरना तय है और अब मुझे यहाँ पर मेरी फीलिंग्स समझ में आ रही है। मैं यहाँ पर ना ही डरा हुआ हूँ ना ही दुखी हूँ, इस फीलिंग को मैं यहाँ पर पहली बार महसूस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मुझे उन सभी लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा कि मैं उन सभी लोगों को जान से मारना चाहता हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक कमजोर इंसान हूँ जिसके पास यहाँ पर ना ही कोई एबिलिटी है और ना ही कोई वेपन, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और तभी टोका को याद आता है कि थोड़ी देर पहले उसके क्लासमेट उसकी किस तरह बेइज्जती कर रहे थे और उसके मरने की खबर को सुनकर उसके सभी क्लासमेट कितने ज्यादा खुश थे। यह सब बातें याद करके उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। यह बोलते हुए वह उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने पैरालाइज अटैक का यूज करता है। तभी वह देखता है कि उसके अटैक से वह मॉन्स्टर अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका होता है, जो देखकर टोका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही गॉडेस ने उसे बताया था कि टोका के अटैक्स का असर सबसे कमजोर मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर भी नहीं होगा, पर यहाँ पर उसके अटैक से एक मिनट और फ्रीज हो चुका होता है और अब वह खड़ा होते हुए काफी तेजी से भागने लगता है और भागते भागते उस मिनट और से काफी ज्यादा दूर आ जाता है। तभी उसे एक दूसरे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और अब वह देखता है कि एक बर्ड मॉन्स्टर उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखते ही वह और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं जिंदा रहूंगा। यह बोलते हुए वह उस मॉन्स्टर के ऊपर भी अपने पैरालाइज टेक्निक का यूज करता है, जिससे वह मॉन्स्टर भी वहां पर फ्रीज हो जाता है। अब यह देखकर टोका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसीलिए अब वह अपने स्टैट्स को ओपन करके देखता है तो उसके पास यहाँ पर बस एक ही एमपी बची हुई होती है और एक बार पैरालाइज टेक्निक का यूज करने में 10 एमपी खत्म होती है और उसने यहाँ पर पहले ही 3 बार पैरालाइज टेक्निक का यूज कर लिया होता है। तभी वह देखता है कि वह अपनी बची हुई आखिरी एक एमपी का यूज करते हुए अपने पॉइजन टेक्निक का यूज कर सकता है। यह देखते ही वह उस बर्ड मॉन्स्टर के ऊपर अपने पॉइजन टेक्निक का यूज करता है, जिससे उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है और अब उसके मुंह से खून आने लगता है, पर अभी भी वह मॉन्स्टर वहां पर जिंदा होता है। यह देखते ही टोका वहां पर किसी तरीके से उस मॉन्स्टर को मारने के बारे में सोचता है, पर तभी वह रुक जाता है और अब वह एक जगह पर बैठते हुए बोलने लगता है, यहाँ पर तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, और तो और मेरे पास अब बिल्कुल भी एमपी नहीं बची हुई है, जिस वजह से अगर मैं तुम्हें मारकर यहाँ पर जिंदा बच भी जाता हूँ तो कोई दूसरा मॉन्स्टर मेरा शिकार कर लेगा। तभी वह मिनिटॉर भी वहां पर आ जाता है और अब वह टोका को देखते ही वहां पर चिल्लाने लगता है। अब उस मिनिटॉर को देखते हुए टोका बोलने लगता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो जबकि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता, आखिर मैंने यहाँ पर किसी का क्या बिगाड़ा है, आखिर सभी लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और अब टोका को वहां पर उसके सभी पुराने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जिसमें सभी लोग उसे किस तरह ट्रीट किया करते। और अब टोका बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं ना ही मैं कोई वॉरियर हूँ, मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ जो यहाँ पर बस जिंदा रहना चाहता है, और अगर मुझे जिंदा रहने के लिए यहाँ पर किसी को मारना भी पड़े तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।